दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमर है, सभी के टाइम WWE के सबसे बड़े रेसलर है। लेकिन क्या आपको पता है WWE का इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद भी WWE के हाईएस्ट पेड रेसलर रोमन रेंस नहीं है बल्कि कोई और है। यानी WWE रोमन रेंस से भी ज्यादा दूसरे रेसलर्स को पे करती है। और आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 हाईएस्ट पेड रेसलर ऑफ 2022 के बारे में बताने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 AJ स्टाइल्स। दोस्तों फिनोमिनल वन AJ स्टाइल WWE के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर है और WWE भी AJ स्टाइल्स के टैलेंट को जानती है, इसलिए तो WWE हर साल AJ स्टाइल को $3 मिलियन पे करती है, यानी करीब 24 करोड़ रुपए वो भी हर साल। आप जिस टाइप का एक्शन AJ स्टाइल डिलीवर करते उस हिसाब से फिनोमिनल वन डिजर्व दिस मच ऑफ मनी। नंबर 4 सेथ रॉलिंस। आप गए सेथ रॉलिंस भी WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलर है और उनकी इनिंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और एक टाइम था जब सेथ रॉलिंस रोमन रेंस से भी बड़े सुपरस्टार थे एंड करेंटली भी फैंस के बीच सेथ रॉलिंस का क्रेज बरकरार है। अब सेथ रॉलिंस को भी WWE $3 मिलियन हर साल पे करती है और गाइस ये सैलरी रेसलर्स की बेस सैलरी होती है, यानी मिनिमम से मिनिमम भी एक रेसलर बेस सैलरी जितना कमाई लेता है और रेसलर की सैलरी इससे ज्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उस रेसलर ने WWE के कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, यानी ओवर टाइम किया। नंबर 3 रैंडी ऑर्टन। दोस्तों द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन अभी के टाइम WWE के मोस्ट रेस्पेक्टेड रेसलर है और रैंडी ऑर्टन WWE के साथ 21 सालों से, यानी गाइस आप समझ सकते हो कि रैंडी ऑर्टन को थर्ड जनरेशन सुपरस्टार क्यों कहा जाता है। अब रैंडी ऑर्टन WWE के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रेसलर है। अब रैंडी ऑर्टन WWE के लिए अच्छा परफॉर्म तो करते ही है, लेकिन इसके अलावा रैंडी ऑर्टन के मर्चेंडाइज भी काफी अच्छे से सेल होते हैं, इसलिए WWE लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन को $4 मिलियन यानी 32 करोड़ रुपए हर साल पे करती है। नंबर 2 रोमन रेंस। यस गाइस, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। आप रोमन रेंस WWE के फेस सुपरस्टार है, यानी WWE जितने भी उनके प्रोडक्ट को सेल करती है वो सब रोमन रेंस के दम पे करती है। आप जैसे मैंने पहले ही बताया कि रोमन रेंस WWE के हाईएस्ट पेड रेसलर नहीं है, वो सेकेंड हाईएस्ट पेड रेसलर ऑफ 2022 है, जिन्हें WWE $5 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ रुपए हर साल पे करती है। बस जितना भी पैसा WWE रोमन रेंस को देती है, रोमन रेंस हर एक रुपया वसूल करवा कर देते है, यानी WWE का एक रुपया भी वेस्ट नहीं जाता। एंड नंबर 1 रेसलर के बारे में डिस्कस करने से पहले बिग शॉट टू टाइगर बॉयज, मोमिन, एसके, हैदर अली, फन फैक्ट, ब्रॉक लेसनर एंड मैट गेमर। सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया तो, बट आप सभी को बिग शॉट आउट। एंड मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। एंड फाइनली नंबर 1 ब्रॉक लेसनर। यस गाइस, बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। आप नो डाउट ब्रॉक लेसनर WWE के सबसे महंगे रेसलर है, जिन्हें WWE $5 मिलियन हर साल पे करती है। इसके अलावा जिस भी पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर रेसल करते हैं उसके लिए WWE ब्रॉक लेसनर को एडिशनली $500,000 पे करती है, यानी आप समझ सकते हो कि ब्रॉक लेसनर को किसी एक मैच में भी रेसल करवाना कितना महंगा होता है। बस जितना भी WWE ब्रॉक लेसनर पे खर्च करती है, ब्रॉक लेसनर WWE को उतनी कमाई करवा कर भी दे देते है। सो ये थे टॉप 5 हाईएस्ट पेड WWE रेसलर्स ऑफ 2022। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट रेसलर है कमेंट करके जरूर बताना। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फाइटफुल रिपोर्ट्स एंड रेसलिंग ऑब्जर्वर से ली है। सो प्लीज ऐसा कमेंट मत करना कि तुझे इनकी सैलरी कैसे पता, क्या तुझे इन रेसलर ने खुद आकर बताया। सो आशा करता हूँ कि आप ऐसा कमेंट नहीं करोगे। सो बस आज की वीडियो ही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।